मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए शिवसेना सांसद संजय राउत की ईडी हिरासत आज खत्म हो रही है। उन्हें आज ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि ईडी ने मुंबई की एक चौल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में रविवार रात राउत को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने राउत को सोमवार को विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया था और 8 दिन की हिरासत की मांग की थी। हालांकि न्यायाधीश ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कहा कि 8 दिनों की लंबी हिरासत की जरूरत नहीं है। मेरी राय है कि अगर आरोपी को 4 अगस्त तक हिरासत में भेजा जाता है तो ये मकसद के लिहाज से पर्याप्त होगा। वहीं ईडी ने संजय राउत की हिरासत की मांग करते हुए दावा किया कि राउत और उनके परिवार को मुंबई में एक चाल के पुनर्विकास परियोजना में कथित अनियमितताओं से हासिल 1 करोड़ रुपए अपराध से आय के रूप में प्राप्त हुए। ईडी के मुताबिक ये मामला उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा चौल के पुनर्विकास में अनियमितताओं और वित्तीय संपत्ति के लेन देन से संबंधित है, जिसमें उनकी पत्नी और उनके कथित सहयोगी शामिल है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।